a beautiful bouquet for you. Yes. ये देखो कितनी सारी फिशेज है इसमें. वाओ, दिख रही है? नहीं. देखो ना, वो देखो कितनी सारी फिशेज है. मैंने जुगाड़ लगाया है, मैंने वैक्यूम लाया, ठीक है, वैक्यूम को कर दिया ऑन. गुड मॉर्निंग फैमिली अगेन. तो जी क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और खुश होंगे. तो जी चैनल पर नए हैं डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज एवरी डे आई ब्रिंग ए न्यू व्लॉग फॉर यू. हर दिन एक नया व्लॉग आपके लिए लेके आता रहता हूँ. तो चलिए गाइस अपना व्लॉग शुरू करते हैं फटाफट से. तो मैं अपने रूम में हूँ और देखिए यहाँ पर कितना क्या गंद पड़ा हुआ है. मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये एक्चुअल में ब्लोअर है, ठीक है. तो इसकी सफाई कर रहा था मैं अभी, क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, अगली सर्दी आने वाली है, फिर हम इसकी सफाई कर रहे हैं. तो इसकी सफाई कर रहा हूँ मैं, ये खोल दिया है मैंने. और इसके अंदर जो देख रहे हो आप, मैं ये इसकी फ्लैश ऑन कर देता हूँ. ये देखिए कितना सारा गंद है इसमें, ठीक है ना. इसमें भी था, बहुत ज़्यादा था, मगर वो मैंने साफ़ कर दिया है अभी. तो अगर ब्रश लेके इसको करने बैठेंगे तो वो फिर नामुमकिन है. तो मैंने जुगाड़ लगाया है, मैंने वैक्यूम लाया, ठीक है, वैक्यूम को कर दिया ऑन. देखा आपने किस तरीके से मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ, ठीक है. ऐसे मेरे को ब्रश की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो नीचे गंद वगैरह पड़ेगा वो भी नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि वैक्यूम है, उसी से साफ हो जाएगा, ठीक है. तो फिलहाल मैं ये इसी की तरफ कर रहा हूँ और टाइम हो रहा है देखिए 11:54 अपना व्लॉग में शुरू कर रहा हूँ. मैं सुबह सुबह पहले अरसलान और अबुजुर्ग को बाहर ले गया था घुमाने के लिए, वहाँ से आया, फिर मेरे को अचानक नज़र पड़ी इसके ऊपर, तो मैंने सोचा चलो यही काम कर लेते हैं. फिलहाल आज घर पे ही है तो रोज़ रोज़ घर पे तो होना नहीं है. तो फटाफट से इसको पहले मैं साफ कर लेता हूँ. मैंने इसको पहले ये वाला खोल दिया था, फिर ऑन करके इसका सेक्शन जो है बड़ा है, ठीक है, मगर इसमें वो चीज़ नहीं आ रही. मैंने ये वापस से लगा दिया इसको, क्योंकि आगे से इसका जो सुराख है छोटा सा है, ये ज़्यादा गंद वगैरह जो है पकड़ेगा. जी अपना ब्लोर हो गया है बिल्कुल ठीक, फिट एंड फाइन. और जो वैक्यूम से गंद निकला है ना, ये देखो यार कितना सारा बीच में फंसा हुआ था, मैं दिखाता हूँ आपको. ये ब्लोर के बीच में था. ओए मेरी, ओए यार, देख रहे हो, देख रहे हो कुछ. मैंने शराब खाने नहीं है. मन खराब हो गया. अश्विनी क्या निकला इससे? डस्ट. डस्ट है ना. अच्छा आप क्या खा रहे हो? ये क्या है? ये चॉकलेट. ये किसने दिया? मम्मा ने. मम्मा ने दिया? अच्छा अच्छा, चलो खाओ आप चॉकलेट. अच्छी है. मम्मा अच्छी है. अच्छा अच्छा, तो जी ये इसका साफ सफाई करके इसको रख देते हैं अपनी जगह पे. तो गाइस मैं इस समय किचन में हूँ और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है. सबसे पहले आप देखो ये ग्लूकोन डी है, ठीक है. अरसलान को अशु 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. अच्छा अच्छा अच्छा, अरसलान को जूस बहुत ज़्यादा प्यारा है और मरिंडा होता है ऑरेंज कलर का. दिखाओ दिखाओ दिखाओ, एक मिनट दिखाओ.
ये देखो ऑरेंज कलर का है, अरसलान को जूस बहुत ज्यादा प्यारा है, तो हम क्या करते हैं ग्लूकोन डी जो है वो मिक्स करके अरसलान को देते हैं, ये पीता है ये कोल्ड ड्रिंक समझ के। तो इसकी गर्मी वगैरह सेहत के लिए वो भी ठीक है। तो हमारा अबुजर है, अबुजर भी यही समझ के ये पी रहा है, ठीक है। ये होता है जी बच्चा। चलो पियो पियो जूस, पियो जूस, फिनिश करो। ये खोल के दे दो। हाँ मैं खोल के देता हूँ ये। लो ये ढक्कन हैंडो में रख लो। चलो भाई चलो खेलो अब। ये होता है जी बचपन। तो जी घर पे बैठे ही थे और अरसलान बोलता बाहर तक ले जाओ मेरे को, तो अरसलान बाबू इस टाइम साथ में है, अरसलान को थोड़ा आगे तक ले जाते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, आगे चलते हैं जहाँ पे पानी वगैरह है ना, तो वहाँ पे ले चलते हैं, थोड़ा बहुत इसका टाइम पास भी हो जाएगा और अपना टाइम पास भी हो जाएगा। तो पानी कितना सारा देखो, गंदा पानी है ये ना, देखो कितने पॉलीथीन है इसमें। हाँ चलो हम आगे जाएंगे, देखो आगे कितना अच्छा है, माशाल्लाह। ये देखिए गाइस, जस्ट ऑसम 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 व्यू। तो चलते हैं आगे आगे। ये है जी चावलों की शाली, ये चावलों की शाली है, ठीक है। अभी हाथ से बड़ी बड़ी हो गई ये देखिए। तो जब ये लगाने का टाइम था उस टाइम तो मेरा फ़ोन ही ख़राब था। तो अभी लग गई है, यही देख लो अब क्या ही कर सकते हैं। तो आगे आगे चलते हैं और आगे आगे जो है व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त है, और हैचरी में जाएंगे वहाँ पे देखेंगे मछलियाँ वगैरह क्या है नहीं है। और एक बात, आज ना दो तीन दिन से कंटिन्यूसली बारिश पड़ती जा रही है, आपने कल के व्लॉग में भी देखा होगा और परसों के व्लॉग में भी देखा होगा कि बारिश जो है कंटिन्यू पड़ रही थी। तो आज दो दिन तीन दिन के बाद कम से कम धूप निकली है और मौसम भी माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ है इस टाइम। दूर दूर पहाड़ों पर बादल वगैरह आपको दिख रहे होंगे, और जो व्यू है व्यू देखो यार। हाय मेरी जान, चलो गोदी में, गोदी में लाना। हाँ। आजा मेरी जान गोदी में। आपको बाबा की गोदी अच्छी लगती है? हाँ। सच्ची में? हाँ। वो व्यू, वो व्यू देखो। हाँ। अरे ग्रेट यार। व्यू अच्छा है ना? हाँ। गुड बॉय। और अरसलान का व्यू भी अच्छा है। अरसलान भी अच्छा है। हाँ। चलो मेरी जान आप खुद चलो, थोड़ी सी वॉकिंग भी हो जाएगी। आओ हैंडू पकड़ो, मैं थक कर जाऊंगी मेरी जान। थोड़ा सा चलना अच्छा रहता है। हा? चलना अच्छा होता है मेरी जान। चलना बाबा अच्छा। के साथ देखो, बाबा भी चल रहे हैं। देखो कितने प्यारे प्यारे फूल है यहाँ पे, ये देखो। आपको मैं छोटा सा बुके बना के देता हूँ इसका, ओके? ब्यूटीफुल बुके फॉर यू। यस। देखो कितना प्यारा है बुके, है फुल्लू कितने सारे है ना। चलो दिखाओ जरा इसमें क्या, कौन कौन से फूल हैं, दिखाओ कौन कौन से फूल है इसमें। वाओ। चलो अब ये पहुंच गए जी हम हैचरी में, मगर यहाँ पे बंद रखा हुआ है। चलो भाई गुड बॉय, इसको बंद रखना ठीक रहेगा। हैं मेरी जान, ये हैचरी है, यहाँ पे ही फिश है ना आगे बहुत सारी। हाँ यहाँ पर बहुत सारी मछली होती है, बहुत सारी मछली। ये देखो कितनी सारी फिशेज है इसमें, वो देखो वो दिख रही है, वाओ दिख रही है नहीं? वो देखो ना, वो देखो कितनी सारी फिशेज है ना। ना मेरी जान ये काटती थोड़ी है, ये काटती नहीं है। हाँ? ये काटती नहीं है। तो जी बता दूं आपको, ये ट्राउट मछली है जिसपे एक ही कांटा रहता है, क्योंकि मछलियों में बहुत सारे कांटे होते हैं ना, इसमें सिर्फ बीच में एक ही कांटा रहता है, तो इस वजह से ये थोड़ी कॉस्टली भी रहती है। ये शायद 600 या 700 रुपीस केजी है पर केजी, तो मार्केट में आपको 100-200 रुपये किलो मिल जाएगी, मगर जो ये ट्राउट मछली है ये 600-700 रुपीस केजी है। तो इसकी फार्मिंग जो है ये देखिए, ये चारों तरफ आपको ये दिख जाएगा, और ये वर्कर्स हैं यहाँ पे, और इनका डिपार्टमेंट ये है आगे सामने। तो अगर आपको यहाँ पे आके लेना है कुछ
और अगर आपको यहाँ पे आकर फिश वगैरह चाहिए लेनी है यहाँ पे आप आ सकते हैं कभी भी। 24/7 तो नहीं होगा मगर सुबह 10 बजे से शाम को 5-6 बजे तक ये खुला होगा यहाँ पर। ऐसे तो हम वहाँ आगे पार्क है बहुत अच्छी, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे बैठते हैं हम। ओके वाह, ये वाला इन्होंने नया बनाया है, ये अभी पहले नहीं हुआ करता था, क्योंकि मेरे को याद है जब ये वाला जो है ना अभी बनाए रहे थे, ये वाला और ये वाला, ये बहुत गहरा है तो इसमें ना हमने नहाया हुआ भी है जी। हाँ गाइस, छोटे छोटे होते थे तब इसमें ना नहाया करते थे। अच्छे आ जाओ, अरे इसमें नहाना, तब तो ये पार्क वगैरह ये वो इतना ख़ास कुछ नहीं था, अभी तो बड़ा मतलब ज़बरदस्त गवर्नमेंट के अंदर आ गया है ये, इस वजह से जो है ये थोड़ा डेवलप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी सीमेंटेड वगैरह मछली वगैरह जो है आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगी। तो फिलहाल हम बैठते हैं यहीं पर। ऐसे कहाँ पे बैठेंगे? उधर मेरी जान, उधर घास है, उधर कहाँ जाओगे? इधर ही बैठे ट्री के सामने, और देखो फुल्लू, रेड कलर का फुल्लू, वो आ गया, आ गया, आ गया रोज। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो रोज, ये देखो रोज, वाओ देखा रोज। हाँ खोलो इसका, गुड, चलो पकड़ो, गुड बॉय। आओ अशी इधर बैठते हैं, आओ, बिस्मिल्लाह। तो जी 2-3 दिन से, जैसे मैंने आपको इससे पहले बोल ही दिया, 2-3 दिन से बारिश वगैरह पड़ रही है, मगर पता नहीं चलता है कि 2-3 दिन बारिश हुई है, देखो पसीना आना शुरू हो गया, और साथ में आपको पता ही है जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। असलान देखा कितनी सारी फिश है, मुझे तो नहीं है। आपको नहीं दिख रही? आओ मैं गोद में उठा के दिखाता हूँ आपको, ये देखो ऊपर से दिख रही है, ये देखो कितनी, देखो जंप कर रही है, खेल रही है, ये देखो। फिर अपने व्यूवर्स को भी दिखाएंगे हम थोड़ा सा जूम करके, देखना अभी कितनी सारी फिश खेल रही है यहाँ पर, देखो ये बड़ी फिश है। हाँ देखो कितनी सारी फिश खेल रही है इधर। कितनी सारी फिशेज हैं यहाँ पे, चलो अब चलते हैं हम आगे, ठीक है? हाँ इधर भी देखेंगे, मैं जाना उधर पानी है ना वहाँ पे नहीं जा सकते। तो जी काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद चलते हैं अभी घर और चाय शाय पीते हैं। तो जी घर पहुँच गए हम अल्हम्दुलिल्लाह, अभी थोड़ी देर हुई पहुँचे हुए, और सालिक आया हुआ है घर पर, और अरसलान के ताऊ, ठीक है। ये देखो कहाँ फेंका है यार, अरे ग्रेट यार, हंसता हंसता धीरे धीरे, अरसलान को देखो कितना खुश है। तो जी सबसे पहले टाइम देख लो आप, टाइम इज 7:45, ठीक है, और अरसलान को देखो ये अभी तक मैंने सारा जितना भी है पूरा साफ़ कर दिया पानी के साथ, ठीक है, पूरा आगे तक बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, और अब अरसलान की बारी। जब भी मैं साफ़ करता हूँ साफ़ करके अरसलान को भी देता हूँ, क्योंकि अपने साथ बच्चे को रखना बहुत अच्छा रहता है। अच्छा बाबू आप क्या कर रहे हो? बाइक मार लो। अच्छा आपने फुटू वॉश किया, आपने ये टेबल को भी वॉश कर दिया आपने, चलो गुड बॉय। चलो ज़रा बाबा के फुट पे डालो, आस्ते 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 आस्ते, बस थैंक यू। तो जी अभी तक मैंने चाय नहीं पी है, एक काम करते हैं अंदर चलते हैं तो चाय पी लेते हैं अभी। और मैंने तो जी टाइम टू टेक ए टी टाइम, और टाइम यार इस टाइम पता है 7:57, 8 बजने वाला, मैं अभी चाय पी रहा हूँ, घर वालों ने 4 बजे चाय पी ली है। आपने कितने बजे चाय पी थी? 4:30 घर वालों ने चाय पी ली थी। तो ये रखी है चाय, ये अभी गर्म करनी है अभी, ये ठीक है, ये ठंडी चाय है।
और साथ में यहाँ पे कुछ छोटा मोटा ओवन है, ये ओवन नहीं है असल में, ये तंदूर है, ठीक है। तो इसमें मैंने कचौरियाँ दो रखी हैं, ये सुबह लाई थी, तो ये प्री हीट करके आपको पता ही है ये बिल्कुल वैसी निकलेगी जैसे तंदूर से निकली हुई है, बिल्कुल फ्रेश। तो इसकी आवाज़ इस टाइम बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, ये वैसी सॉफ्ट हो जाएगी जैसे ताज़ी ताज़ी तंदूर से निकलती है ना, वैसी हो जाएगी। तो चाय गर्म करते हैं, चाय पीते हैं। तो जी हमारी कचौरियाँ जो है हो तो गई है, मगर यार बहुत गर्म है। आवाज़ सुनो इसकी यार, क्यों सही है ना। तो जी चाय भी हमारी गर्म हो गई है और कचौरी भी गर्मा गर्म, कलर देखो यार इसका माशाल्लाह। तो खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। दिस विल बी एक्स्ट्रा क्रिस्पी, टेस्ट करके देखते हैं। यार बाय गॉड ऐसा सेम लग रहा है जैसे अभी अभी तंदूर से निकला हुआ ना, ऐसा टेस्ट आ रहा है इसका। यम्मी ऐसी कचौरी आप 5-6 भी खा लो ना, पता नहीं चलता।